हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। अवध विश्वविद्यालय ने एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित एक नई अपडेट अपने विश्वविद्यालय में जारी करी है। अवध विश्वविद्यालय 28 जून को होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए सिलेबस घोषित कर दिया है कि कौन सा सिलेबस है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अवध विश्वविद्यालय के अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको एक नया यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों, सिलेबस फॉर वेरियस प्रोग्राम इन विच एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन 28th of June 2023। तो यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों आप सिलेबस जान सकते हैं कि कौन कौन से सिलेबस है पांचों कोर्स के, चाहे वो एमएड हो, एलएलबी हो, एलएलएम हो, बी फार्मेसी या डी फार्मेसी। इन पांचों कोर्सेज के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स का सिलेबस टॉपिक होने वाला है वो विश्वविद्यालय ने यहाँ पे जारी कर दिया। तो क्या क्या टॉपिक है आइए ज़रा देख लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एमएड की, तो एमएड में आप देखेंगे एमएड की सिलेबस विश्वविद्यालय ने जारी करके यहाँ पे लिखा है 100 और 100 दो कोर्सेस होंगे, दो सौ क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, सेक्शन ए और सेक्शन बी। एक ही दिन एक ही टाइम पेपर होगा एक ही शिफ्ट में, और उसमें टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। 200 में से जो 100 क्वेश्चन होंगे वो सेक्शन ए में होंगे, 100 क्वेश्चन सेक्शन बी में होंगे, सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होंगे नो डाउट। अब एमएड प्रवेश परीक्षा 2023 के में एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा जिसे दो भाग होंगे। प्रथम भाग में 100 प्रश्न और दूसरे भाग में 100 प्रश्न। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, कोई रिटन क्वेश्चन नहीं होगा, एक में 100 और दूसरे में 100। अब आइए, प्रथम भाग में निम्नलिखित से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षण अभियोग्यता मतलब टीचिंग एबिलिटीज, जैसे कई बार आपको सीटेट में सवाल पूछा जाता है ना कि एक शिक्षक को कैसे पढ़ाना चाहिए, एक शिक्षक को कैसे समझाना चाहिए, तो इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा दोस्तों शोध अभियोग्यता मतलब एक्शन रिसर्च से आपके सवाल पूछे जाएंगे कि थोड़े से रिसर्च से सवाल पूछे जाएंगे। अधिगम अभियोग्यता और सामान्य अध्ययन एवं अध्ययन जानकारियाँ मतलब अधिगम अभियोग्यता, जैसे मान लीजिए अभिप्रेरणा हो गया, बच्चे कैसे सीखते हैं, सीखना किसे कहते हैं, सीखने के बारे में क्या चीज़ें होती हैं, और थोड़े से सामान्य अध्ययन के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सो दीज आर ऑल द टॉपिक इन द सेक्शन वन, सेक्शन ए। दूसरे भाग में 100 प्रश्न होंगे जिसमें से आपके बीएड, डीएलएड या बीटीसी किससे जो मेन सब्जेक्ट होता है दोस्तों, कोर करिकुलम संबंधित प्रश्न होंगे, जैसे शिक्षा दर्शन के आधार पर। अब शिक्षा दर्शन के आधार पर इस तरीके का सवाल कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है, महात्मा गांधी का कथन है, स्वामी विवेकानंद का कथन है, जॉन डेवी का कथन है, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है, या फिर एडम्स का कथन है। तो कई बार सवाल दिए जैसे कि शिक्षा द्विमुखी है किसने कहा था, या फिर शिक्षा त्रिमुखी है किसने कहा था, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं शिक्षा दर्शन में। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार पे भी, चाहे वो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार की अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान से संबंधित वो तो सीटेट से संबंधित ही सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि स्किनर हो गए, पावलोव हो गए, जीन पियाजे हो गए, इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। शिक्षा के सामाजिक अधिकार, सामाजिक अधिकार का मतलब समाजीकरण, समाज की शिक्षा समाज के लिए क्या है, इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। और भारतीय की शिक्षा के इतिहास एवं काउंसलिंग एवं गाइडेंस, तो इसमें भारतीय शिक्षा के इतिहास में दोस्तों वैदिक काल शिक्षा, मुस्लिम काल शिक्षा, बौद्ध काल शिक्षा, मैकाले और वृद्धा शिक्षा योजना, ये सारी चीज़ें, 1813 का आज्ञा पत्र, इससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जैसे संरचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। और शिक्षा तकनीकी पाठ्यक्रम में आपसे पूछा जाएगा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से, पर्यावरण एवं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से, और विद्यालय संगठन, विद्यालय एवं स्वास्थ्य शिक्षा आदि संबंधित पूछे। सो ये है दोस्तों ओवरऑल आपका सिलेबस इसी संबंध। अब देखिए, अब समय कम है, आप एक एक पॉइंट तो नहीं पढ़ सकते, ठीक है, किसी भी एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ ले। अच्छा, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, पिछले साल जो एमएड का पेपर हुआ था दोस्तों, पिछले साल के एमएड के पेपर में विटामिन से कई सवाल पूछे गए थे, 4-5 सवाल विटामिन से पूछे गए थे, 2-3 सवाल आपको पूछे जा सकता है आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, इससे संबंधित सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यथार्थ की खोज करना कौन से वाद में आता है, तो यथार्थवाद, या फिर सत्य की खोज करना किस में आता है, यथार्थवाद में। ईश्वर की प्राप्ति कौन से शिक्षा दर्शन में आता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका आदर्शवाद में, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल भी आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये हो गया दोस्तों पूरा एमएड का सिलेबस, ठीक है, इसी टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको कि आप इन टॉपिक्स को पढ़ें, अच्छे से समझें, प्रीवियस ईयर्स को समझिए, प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करिए, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा।
वो सवाल तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन हाँ उससे संबंधित सवाल होंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों एमएड के सिलेबस की बात। ओके, अगर हम अन्य कोर्सेज के सिलेबस की बात करें, चलिए अन्य कोर्सेज को हम अगले वीडियो में देख लेंगे ताकि यहाँ पे कोई मसला ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम एमएड को ही रखते हैं। एमएड का सिलेबस आपके इंट्रेंस एग्जाम्स का यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। टोटल 200 नंबर का सवाल होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार आप अपने बुकलेट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, 200 में से आपको 200 नंबर का सवाल होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, सेक्शन ए में 100 सवाल, सेक्शन बी में 100 सवाल। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों। अच्छा, एक और चीज़, एनईपी से आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एनईपी 2020 से ज़रूर सवाल पूछा जाता है कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, इससे संबंधित ज़रूर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके एमएड एग्जाम्स के लिए। और एक और चीज़ है, आप इससे टेंशन मत लीजिएगा कि आपका एडमिशन नहीं होगा। आप अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम अटेम्प्ट कर लीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इस बार कम हुआ है। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।